जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 की श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत महत्व के बारे में और फिर सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। इस बार कामिका एकादशी का व्रत जो कि 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे कामिका एकादशी, कामदा एकादशी, पवित्रा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा यह सभी प्रकार के पातकों को नष्ट करने वाली है। इस व्रत को धारण करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि जैसे महान पातक भी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 12 जुलाई 2023 दिन बुधवार शाम 6:02 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को शाम 6:26 पे। तो जो भी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो सभी 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को व्रत धारण करेंगे और दसवीं दिन के नियम का पालन जो कि 12 जुलाई 2023 दिन बुधवार को दसवीं दिन नियमों का पालन किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय 14 जुलाई को सुबह 5:32 से लेकर के सुबह 8:18 तक व्रत का पारण किया जाएगा। कामिका एकादशी व्रत का पारण जो कि दुर्वा दलेन पारणम यानी कि दुर्वा दल से व्रत का पारण है। आप चाहें तो तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 14 जुलाई को शाम 7:18 पे। एकादशी के दिन सूर्योदय का जो समय है वह सुबह 5:16 और सूर्यास्त शाम 6:52। राहु काल का समय 13 जुलाई को दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक होगा और 14 जुलाई को राहु काल का समय सुबह 10:21 से दोपहर 12:03 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दसवीं के दिन से व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं, एकादशी और द्वादशी इन तीन दिनों तक व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। दसवीं के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में दसवीं और द्वादशी तिथि के दिन जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोघृत आदि मिश्रित भोजन ग्रहण करनी चाहिए और एकादशी के दिन उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। तो दसवीं के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण करें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें और भगवान से कहे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाए और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें
और एकादशी तिथि के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खुटसोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन सवेरे उठकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, सो आप मुझसे कहने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं सभी पापों से मुक्त होने वाले व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा था। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका है, जिसका केवल महात्म्य सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी एवं श्रीधर नामक विष्णु की पूजा करता है और भक्ति पूर्वक ध्यान करता है, उसको नैमिषारण्य एवं पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान का जो फल होता है उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वह फल इस प्रकार है कि जो सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान एवं श्री केदारनाथ जी के दर्शन से भी होना कठिन है। व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से एवं सिंहस्थ गुरु में श्री गोदावरी में स्नान करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो कि श्री कृष्ण चंद्र जी के पूजन द्वारा प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत रखना और समुद्र पर्यंत भूमि का दान करना दोनों का फल एक समान है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर के पूजन करने से गंधर्व, देव, उरग और पन्नग इत्यादि की पूजा योग्य होती है। अस्तु जो पाप पंक में लिप्त एवं असार रूपी संसार में फंसे हुए हैं, इस प्रकार के मनुष्यों को स्वयं उद्धार के निमित्त कामिका एकादशी के दिन अनेकों प्रयत्न पूर्वक व्रत करके श्री भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इससे उत्तम पाप मुक्त होने का अन्य व्रत नहीं है। अध्यात्म विद्या जिसको ज्ञात है उसको जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत करके रात्रि में जागरण करने से होता है। कामिका एकादशी के व्रत का प्रभाव है जो योगियों ने मुक्ति इससे प्राप्त की है। अस्तु सच्चरित्र मनुष्यों को इस व्रत को करना नितांत ही आवश्यक है। एक बार के स्वर्ण दान से या उससे चतुर्गुण चांदी दान करके अथवा रत्न इत्यादि द्वारा पूजा से भगवान उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते जितना कि तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट होते हैं। जिन मनुष्यों ने तुलसी की मंजरी द्वारा भगवान की पूजा की है वे अपने जन्म जन्मांतरों के घोर पापों को भी नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार की तुलसी देवी को शततः प्रणाम है, जिसके केवल दर्शन मात्र एवं स्पर्श से ही समस्त पाप नष्ट होकर शरीर पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान को रात्रि में दीपदान करते हैं उसकी फल प्राप्ति को चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते। उस दिन जो मनुष्य रात्रि पर्यंत भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीप को जलाया करते हैं उसके पितर लोक को अमृत प्राप्त होता है।
घृत एवं तिल के तेल से दीपक जलाने वाले को कामिका के प्रभाव द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार के पापनाशिनी कामिका एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना उचित है। इसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की हत्याएं अर्थात ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि के जो महान पातक हैं, वे शीघ्र छूट जाते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर वह क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बतलाया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करो। ब्राह्मणों को भोजन करा के सदस्यरणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीकों पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, उनके सभी प्रकार के पातकों का नाश हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करके इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर प्रसन्न हो करके उनके सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। और जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है, तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।